मैं बस अभी इस वक्त तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस मसले पे, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा भरोसा है, जो भी हमारे लॉज है और जो भी कोर्ट का फैसले है उन पे मुझे पूरा भरोसा है, तो तब तक मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस बारे में। आपको लगता है ये ना सच की जीत होगी और आपको जी इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल होगी। जूनागढ़ बेस्ड कॉमिक मुनावर फारूकी 37 दिन जेल में गुजारने के बाद फाइनली रिलीज हो चुके हैं, लेकिन याद रखें अभी भी उनके जो चार एसोसिएट्स हैं वो कस्टडी में ही हैं। इस केस में शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है अगले चंद मिनटों में वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो लॉकडाउन के दौरान फारूकी दो वीडियोस रिलीज करते हैं जो फिलहाल डिलीटेड हैं। एक वीडियो में उन्होंने बात की हिंदू गॉड्स की और दूसरी वीडियो में वो बात करते हैं गोधरा इंसिडेंट की। 2021 नए साल के पहले दिन फारूकी पहुंचते हैं इंदौर परफॉर्म करने के लिए और वहां पर एकलव्य सिंह गौर पहुंचते हैं। वो इंदौर के बीजेपी लेजिस्लेटर मालिनी गौर के बेटे हैं। वो वहां इनसे जिक्र करते हैं कि किस तरीके से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं उनकी वीडियोस के चलते। तो उसी दिन कंप्लेंट लॉज की जाती है फारूकी के अगेंस्ट और चार्जेस लगाए जाते हैं कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है और वहीं कोविड-19 के चलते एक शो होल्ड किया गया है। मुनावर और उनके चार साथी नलन यादव, एडविन एंथनी, प्रियम व्यास, प्रखर व्यास को आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस के अंडर बुक किया जाता है। मैजिस्ट्रेट उनकी बेल प्ली रिजेक्ट करते हैं और उन्हें जुडिशियल कस्टडी पर भेजते हैं 13 जनवरी तक। 13 जनवरी को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनकी जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करते हैं 27 जनवरी तक। 14 जनवरी को गुहार लगाई जाती है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। 28 जनवरी को भी उनकी बेल प्ली रिजेक्ट होती है और हाई कोर्ट कहता है दैट देयर इज प्राइमा फेशी एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एप्लीकेंट्स हैड इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स अंडर द गार्ब ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। खैर आखिरकार 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मुनावर को एड इंटरिम बेल पर रिलीज करने का ऑर्डर दिया और साथ ही कहा कि FIR में जो उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं वो वेग हैं। वहीं उनके खिलाफ यूपी में जो रजिस्टर एक केस है उसमें प्रोडक्शन वारंट पर भी उन्होंने स्टे लगाया। एक्चुअली प्रोडक्शन वारंट की तामील कराने की जो बात थी, क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीज सभी के सामने बहुत साफ है कि प्रोडक्शन वारंट स्टे हो चुका था। ये इसको एक माने कि ये एक फॉर्चुनेट चीज़ हमारे साथ हुई कि हम जो टीम लेके चल रहे थे वकीलों की, वो लोग वापस अंदर गए। 8:30 के जो घटनाक्रम हुआ जब उसको नहीं छोड़ा गया, उसके बाद वो लोग वापस अंदर गए और उन्होंने पूरा लीगली उस प्रोसेस को, उस ऑर्डर को समझाने की कोशिश करी जेलर साहब को, जेल अथॉरिटीज़ को। तो समहाउ कुछ इस तरीके से वो समझने के उसको वजह बनी कि जेल अथॉरिटीज़ ने उसको माना और उसको लेट आवर्स में रिलीज़ किया गया। 6 फरवरी की रात 11:45 पर मुनावर को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन एज वी स्पीक मुनावर के बाकी एसोसिएट्स अभी भी कस्टडी में हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।